का की नाम थोड़ा? मेरा नाम दीपक है जी। दीपक, दीपक बड़ी खुशी हुई मिलके। थैंक यू जी। तो आप दे इन्नी हिम्मत बठिंडे तो कन्याकुमारी का सफर कर रहे हो पैदल जी, मैनू बहुत खुशी हुई है। असं आस करते हैं थोड़ा सच्चे पातशाह तुम चढ़ती गल बख्शे, तंदुरुस्ती बख्शे, सोनू लोग सारे सहयोग कर, क्यों सहयोग कर साडा बनता है, क्योंकि थोड़े इन्नी हिम्मत है, इन्नी थोड़ी कला, थोड़ी सच्चे पासे चढ़ते कला बख्शे। असं परमात्मा दोबारा फिर दुआ करते हैं थोड़ी तंदुरुस्ती वास्ते, जो थोड़ा मन चारिया थोड़ी ये तृष्णा पूरी होए। बहुत बहुत धन्यवाद। चढ़ते कला, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी। थैंक यू सो मच अंकल जी। और अंकल जी ने मुझे बहुत सपोर्ट करा, मतलब मैं शाम को आया था यहाँ पे। ठीक है अंकल जी, क्या नहीं, चलो ठीक है, ये मैं ना दो दो करके बगाऊंगा। नहीं नहीं जी बस, थैंक यू, नहीं है बस, एक्चुअली हम निकल लग गए। चल ठीक है, मैं ऐसे भी 5:30 तक चले जाएंगे। नहीं नहीं एक्चुअली 5:30 जा रहे थे, फिर मैं क्या एक बार पता ना आने के ना फ्रेश होकर फिर थोड़ा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। तो भाई आज मैं इसी जगह पे रहा था। गुड मॉर्निंग, और आज सुबह के बज गए हैं 6 और मैं अपना जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अब मैं यहाँ से लेता हूँ अलविदा। चलते हैं फिर अपने नए सफर पे, नए जगह पे। यार वैसे ना मतलब अच्छा भी लगा यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा कि मैं शाम को आया यहाँ पे। मैंने बोला कि मेरे को रहना है, स्टे करना है, तो बड़े प्यार से बोला उन्होंने कि भाई हाँ तू रह जा यहाँ पे, और तेरे को खाना लंगर वंगर सबका हम खुद घर से लेके आएंगे। तो अच्छा भी लगा यार, थैंक यू सो मच उनको। बाकी फिर चलते चलते मिलेंगे आपको रास्ते में चल के। अब मैं आगे जाने वाले टाइम में अभी स्टोरी भी डालने वाला हूँ, तो स्टोरी डालने के बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ बाद में। तो भाई कुछ देर चलने के बाद मैं नेशनल हाईवे पर आ गए हैं, NH7, और ये है उसका हाईवे रोड। बाकी यार ये मौसम देख रहे हो आप लोग, गजब। अभी मैंने 1 किलोमीटर चलाया है और किलोमीटर में ये हाल है। बाकी यार विदाउट कैप बहुत गंदा लग रहा हूँ यार, ये लगा लिया कैप। तो अभी 1 किलोमीटर चला हूँ, और बाकी मैं सोच रहा हूँ कि 2-3 किलोमीटर चल लूँ और फिर नाश्ता वास्ता करूँगा, उसके बाद देखते हैं। और बाकी चलते रहूँगा, दिखाते रहूँगा यार, सब चलता रहेगा आपको। बाकी राम में बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ देखने को भी मिलेगा, और मैं बैठ के चाय पीऊँगा तब आपको सारा कहानी बताऊँगा कि रात में कहाँ हुआ क्या वैसे। तो हाँ जी जनाब, 1.5 किलोमीटर मैंने कंप्लीट कर लिया, और हाँ मैं आप लोगों को ना रात की कहानी सुनाता हूँ, रात में हुआ क्या। भाई मैं गुरुद्वारे गया और अच्छा था, सारा प्रबंध बिल्कुल बढ़िया था। मैं गया वहाँ पर जा कर बैठा, मतलब परमिशन वर्मिशन ले लिया कि भाई आज मैं यहीं रहूँगा। वो बोले चलो ठीक है रह लेना। खाना वाना खा के मैं सो गया, 10-10:30 बजे सो गया था मैं। और भाई सोने के बाद पंखा चला दिया, इतना ठंड लगने लगा यार, और मुझे बटन ही ना मिले। रात भर पंखा चलता रहा, इतने ठंड में ही पड़ा रहा मैं। बाकी रात में मुझे मन भी नहीं करा कि भाई मैं उनको जगा के बोलूँ कि यार मुझे कंबल वम्बल या फिर कोई वो दे दो, चादर दे दो, ऐसा कुछ सीन था रात का। बाकी सुबह सुबह जल्दी उठ गया था यार, और मथुरा टेक के निकल लिया। बाकी आप लोग ऐसे ही देखते रहोगे, रास्ते ही मिलेंगे अब तो आप लोगों को भी देखने के लिए। भाई जैसे जैसे मैं देखता जाऊंगा वैसे ही आप लोग भी देखते जाएंगे। और यार ये व्यू मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, ऐसा लग रहा ना कि मतलब किसी पहाड़ वाले इलाकों में जाके आराम से, मतलब कहते ना पहाड़ पे बैठ के वो वाला नज़ारे चल रहा है। आवाज़ की थोड़ी कमी हो सकती है क्योंकि आवाज़ थोड़ा धीरे धीरे ही आएगा, क्योंकि यार इसमें ना अभी मैंने एक्सटर्नल माइक को यूज़ नहीं किया हुआ, इंटरनल माइक से तो कम आवाज़ आती है। बाकी चलते हैं, ले चलते हैं, और आगे चल के मैं
अभी बैठने वाला हूँ, कहीं पे बैठ के चाय वाय पीता हूँ, नाश्ता वास्ता करता हूँ। कैमरा स्टार्ट है। बठिंडे है क्या भाई? लोकल परसराम नगर। तो ठीक है, ठीक है। बाकी भैया थैंक यू सो मच यार, आप यहाँ रुके बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली पता है क्या है, बहुत कम लोग होते हैं मतलब राह चलते को रुक के पूछेंगे हाँ भाई तू क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, बट स्टिल बहुत कम लोग होते हैं। थैंक यू सो मच। कोई गल नहीं भाई, बेस्ट ऑफ लक थोड़ी जर्नी दे ले। थैंक यू। ठीक है जी। ठीक है सर। तो भाई ना मैं रोड के बिल्कुल ऊपर ऊपर चल रहा था, ये वाले हिस्से में, इधर वाले में एक भैया है, बोले कि अरे यार तू उधर मत चल, इधर न्यू वाले में चल। बाकी ऐसा लग रहा है कोई रुक रहा है मेरे लिए। शिवाजी बढ़िया जी। बढ़िया सर। मैं तुम्हें अच्छे फेसबुक पे देखा सीगा। ठीक है। तो भाई 12.5 किलोमीटर चलने के बाद आपको दिख रहा होगा अब मैं पहुंचा हूँ एक ढाबे पे, ये है न्यू शेरे ए पंजाब। तो भाई यहाँ पर बैठ के अभी मैं नाश्ता वास्ता करूँगा और नाश्ता करने के बाद फिर आगे का प्लान किया जाएगा, या फिर यहीं पर बैठ के आराम भी करूँगा, देखता हूँ जैसे प्लान बनेगा उस हिसाब से बताऊँगा आपको आगे का। बाकी यार अभी भूख भी बहुत तेज़ की लगी है तो मैं सोचा पहले खा लेते हैं फिर आगे चलेंगे। बाकी पैर भी थक गए यार, बहुत बुरा हाल चल रहा है अभी तो, देख रहे हो। बाकी ये है ढाबा और मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो बिल्कुल हाईवे के पास ही है। बाकी यहाँ का व्यू यार बहुत नज़ारेदार व्यू है। तो ठीक है अभी यहाँ पर बैठते हैं, पहले नाश्ता वास्ता करते हैं फिर आगे चलेंगे। अब कर रहे इंतज़ार बहुत तेज़ की भूख लगी है। भैया मंगवा दो यार, ये देखो भैया खड़े हैं ऑनर यहाँ के। ठीक है फिर खा के फिर मिलता हूँ मैं। तो भाई फर्स्ट डे का कुछ खास वीडियो बनाया नहीं मैंने क्योंकि अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, और आज से वीडियो रेगुलर आया करेंगी। बाकी थैंक यू सो मच यार, आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और प्लीज़ अगर आप न्यू हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करके जाना, लाइक भी करना और यार शेयर भी करते रहना। अगर शेयर करेंगे ना ज़्यादा शेयर करो क्योंकि ना वीडियो थोड़ा सा वायरल अगर होने लग जाएगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी वो तो आप लोगों के हाथ में है।